In this lecture, we will discuss about the crystal field splitting energy of tetrahedral complexes. And in the tetrahedral complexes, we have already studied about the splitting of d orbitals and filling of electrons in the d orbitals of tetrahedral complexes. तो इससे पहले जो हमने lecture पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि tetrahedral complexes में जो d orbitals होते हैं, उनमें electrons की filling किस तरीके से होती है. तो जब हमने electrons की filling के बारे में जान लिया है, तो अब हम क्या जानेंगे about how to calculate the crystal field splitting energy of tetrahedral complexes. So this is again the crystal field splitting of tetrahedral complexes, in which I have shown you about how the crystal field splitting occur and how the crystal field splitting energy can be defined. So here you can find that there are 5d orbitals that are degenerate. तो ये क्या है? Degenerate orbitals हैं जिनकी एनर्जी बराबर है free metal ion में. और जब अगर spherical field apply करेंगे, अगर चारों ligand एक तरीके से approach करें, तो फिर उनकी energy क्या होगी? बराबर होगी. लेकिन वहाँ पर क्या होगा? Repulsion होगा, तो उसकी वजह से energy थोड़ी क्या होती है? बढ़ती है. ये मैंने आपको already बताया हुआ है crystal field splitting of tetrahedral complexes में. Then आपने देखा कि ये जो स्प्लिटिंग जब टेट्राहेड्रल फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी चार लिगेंड टेट्राहेड्रली जब अप्रोच करते हैं मेटल सेंटर को, तो ई सेट की एनर्जी कम होती है और जो टी टू सेट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? अधिक होती है. तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ This is crystal field splitting energy of tetrahedral complexes. So, जब हम देखेंगे कि ये जो T2 set है, इसकी energy 0.4 delta T अधिक होती है, ये destabilize होता है, कम, इसकी energy ज़्यादा होती है, तो इसका क्या होगा? Destabilization. और जो E set है, उसकी एनर्जी -0.6 डेल्टा टी होती है. तो अगर हमें ये पता चल गया कि ये जो ई ऑर्बिटल है, इसका स्टेबलाइजेशन बाय अ फैक्टर ऑफ -0.6 होता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट सीएफएससी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये T2 ऑर्बिटल का जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है, 4.4 फैक्टर से हो रहा है. तो हम आसानी से इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस. सो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यू विल फाइंड दैट फॉर डी एन कॉन्फ़िगरेशन If there are A electrons in E set and V electrons in the T2 set, then the CFSC will become like this. तो अगर हम DN configuration की बात करें, जहां पर E set में A electrons हैं और T2 set में B electrons हैं, तो उसके लिए CFSC की calculation हम इस formula से कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि जो E set है, it stabilized by 0.6 delta T is the value of the energy by which it is stabilizing, and 0.4 delta T is the energy by which the T2 set electrons, the T2 set orbitals, they destabilize. So if we multiply the electrons present in E set by a factor of -0.6 and add it into the factor 0.4, when it is multiplied by the number of electrons in the T2 set, that becomes the CFSC of a tetrahedral complex. तो एक tetrahedral complex की CFSC calculate करने के लिए क्या होता है कि जो electrons E में होते हैं, उनको हम multiply करते हैं -0.6 से, और जो electrons T2 में होते हैं, उनको हम multiply करते हैं 0.4 से, क्योंकि ये वो factor है जिससे कि energy
T2 सेट की क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, और ये 0.6 वो फैक्टर है जिससे E की जो एनर्जी है वो क्या हुई थी, स्टेबलाइज हुई थी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं जो डेल्टा टी होती है इट इज 4/9 डेल्टा ओ। जो टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो हमेशा डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होती है। तो अगर हमें डेल्टा टी हम कैलकुलेट कर लें देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ दिस क्रिस्टल फील्ड एनर्जी रिगार्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। सो डेल्टा ओ की टर्म्स में भी हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप ये देखेंगे कि CFSE क्या करेंगे, हम जो डेल्टा टी है उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 4/9 डेल्टा ओ। एक और पॉइंट है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके केस में क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है इट इज ऑलवेज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डिफरेंस है इन बिटवीन ई एंड टी टू इट इज ऑलवेज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो वो एनर्जी गैप इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर। So, इलेक्ट्रॉन इजिली ई से टी टू में ट्रांसफर हो जाएगा एंड द कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज द केस ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखेंगे आपने पहले इससे पहले की स्लाइड में जो इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें देखा था या आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्या है D1 कॉन्फ़िगरेशन। और D1 कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखेंगे तो इसका एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, E1 E में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट बिकम्स E1 T2 0। T2 में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसकी CFSE आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, -0.6×1, क्योंकि E में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, E में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 1, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, तो 0.4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द CFSE ऑफ दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग D1 कॉन्फ़िगरेशन। सो इट बिकम्स -0.6 डेल्टा टी, और हम इसको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ओ भी कैलकुलेट कर सकते हैं विच दिस कैन बी मल्टीप्लाइड बाई अ फैक्टर ऑफ 4/9, देन इट इज इक्वल टू 0.27 इन नेगेटिव बिकॉज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज स्टेबलाइजिंग। एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, सो इट इज स्टेबलाइजिंग। सो -0.27 डेल्टा ओ फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस इज द कैलकुलेशन फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न एंड द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फीड होंगे, तो आप देखेंगे कि E में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 and 2। तो यहां देखिए कि जो -0.6 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि E में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंड T2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 0, इसलिए यहां पर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट द CFSE वैल्यू ऑफ -1.2 डेल्टा टी और -0.54 डेल्टा। देन दिस इज द केस ऑफ द CFSE कैलकुलेशन ऑफ D3 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यू विल फाइंड द 1 इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द T2 सेट। तो यहां पर आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, T2 सेट में, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, E2 T2 1, सो दैट द CFSE विल बिकम। नाउ 0.4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्योंकि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स इक्वल्स टू -0.8 डेल्टा टी और -0.36 डेल्टा ओ। नाउ दिस इज द केस ऑफ D4 कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द T2 सेट। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए T2 सेट में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, E2 T2 2। T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो जो 0.6 -0.6×2, क्योंकि E में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, सो 0.4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट बिकम इक्वल टू -0.4 डेल्टा टी। नाउ दिस इज द D5 कॉन्फ़िगरेशन, वेयर यू विल फाइंड दैट देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन E, सो 0.6 विल मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 0.4 विल मल्टीप्लाइड बाई 3, सो इट बिकम्स इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन T2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन E,
तो आप देखेंगे इसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 0.6 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.4 से. तो चार तीन 12 1.2 एंड 6 दूनी 12 1.2. सो माइनस 1.2 प्लस 1.2 इट बिकम इक्वल टू 0. तो आप ये देखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल की जो सीएफएससी है उसमें और ऑक्टाहेड्रल की सीएफएससी में क्या अंतर है. जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था वहां पर हमें पेयरिंग एनर्जी भी इंक्लूड कर रही थी. क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी हो रही थी. क्यों हो रही थी? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो दो तरीके की होने की वजह से क्या होगा कि वहां पर पेयरिंग हो रही थी, इसलिए वो क्या होगा, पेयरिंग होने की वजह से वो वहां पर पेयरिंग एनर्जी का यूज था. लेकिन यहाँ फॉर्मूला में पेयरिंग एनर्जी का यूज नहीं है. तो अगर कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड होगा तो सीएफएससी क्या हो जाएगी, 0. नाउ दिस इज द कन्फिग्रेशन D6. ये D6 है जहां पर आप देखेंगे E में 3 इलेक्ट्रॉन है और T2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3. सो 3 इन E एंड T2 में भी 3 इलेक्ट्रॉन है. सो माइनस 0.6 विल मल्टीप्लाइड बाई 3 and 0.4 will also multiply by 3, so it becomes equals to minus 0.6 delta T or minus 0.27 delta O. Now in the case of D7 configuration, the configuration becomes E4T2 3. So this will multiply by 4 because there are 4 electrons in E, 1 2 3 4, and in T2 there are 3 electrons, 1 2 and 3. So 3 electrons in T2, so 0.4 will multiply by 3. So the CFSC will be equal to minus 1.2 delta T or minus 0.454 delta O. This is the D8 configuration where you will find there are 4 electrons in E and 4 electrons in T2. So 4 electrons in E and 4 electrons in T2, so that minus 0.6 will multiply by 4 and this 0.4 will also multiply by 4, and so that the CFSC will become minus 0.8 delta T or minus 0.36 delta O. दिस इज D9 configuration. ये D9 configuration है जहां पर आप देखेंगे E में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5. तो ये configuration क्या हो जाएगा, E4T2 5. सो दैट माइनस 0.6 विल मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 0.4 विल मल्टीप्लाई बाई 5. सो ये क्या हो गया, जो एनर्जी निकली वो माइनस 0.4 डेल्टा टी और माइनस 0.18 डेल्टा ओ. Then this is D10 configuration, जहां पर आप देखेंगे सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, E में 4 इलेक्ट्रॉन है और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब आप देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन माइनस 2.4. सो दिस विल नलीफाई सो दैट द CFSC विल बिकम 0 in case of D10 configuration. So we can say that in case of half filled and full filled configuration of this tetrahedral complex, because there is no involvement of P, pairing energy, तो कोई भी involvement नहीं है pairing energy का, इसलिए half filled और full filled configuration की जो energy होगी वो क्या होगी, 0 होगी. CFSC will be 0, क्योंकि जिस factor से वो इंक्रीज हो रही है एनर्जी उसी फैक्टर से क्या हो रही है, डिक्रीज. तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो एनर्जी होगी क्या होगी, 0. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर वेयर यू विल फाइंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द सीएफएससी ऑफ दिस सीएफएससी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. सो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वी विल फाइंड दैट the tetrahedral complexes के लिए सीएफएससी होगी वो pairing energy का उसमें involvement नहीं होगा, और for half filled and full filled configuration you will find that the crystal field stabilization energy will be 0. कितनी होगी, 0 होगी. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सीएफएससी है यहाँ पर जो E में इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम जो E में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय फैक्टर ऑफ माइनस 0.6, और जो T2 में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय फैक्टर ऑफ 0.4. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी. तो टेट्राहेड्रल के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं. नंबर 1 पॉइंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेयरिंग एनर्जी इन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी.
दूसरा आप देखेंगे जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो जो एनर्जी होती है जो डेल्टा टी वो हमेशा पी से कम होती, पेयरिंग एनर्जी से हमेशा कम होती है, इसलिए वो हमेशा कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कि आप देखेंगे हमेशा कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो हमेशा कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा कैसे होंगे, वो हमेशा होंगे जीरो, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर वेर यू विल फाइंड दैट हाउ टू कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। So thank you very much.